कुशीनगर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यभार संभालते ही अपने सख्त तेवरों से अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है। कुशीनगर एसपी ने आज 3 मामलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवनियुक्त एसपी संतोष मिश्रा ने शनिवार को कई मामलों में कार्रवाई की है, जैसे देवरिया मोड़ में अंतर्राज्यीय पॉकेटमारी गिरोह की 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जो बाजारों में महिलाओं को अपना निशाना बनाती थी और उनके महंगे आभूषण और अन्य सामान चुरा लेती थी। पुलिस को कई बार इसकी शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। बता दें, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे बरामद सामान की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा एसपी के निर्देश पर पिछले 48 घंटे में 21 थानों से 231 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो विभिन्न मामलों में फरार और वंचित चल रहे थे। पुलिस ने दर्ज मुकदमों के आधार पर सभी अपराधियों को जेल भेज दिया है। कुशीनगर से अनुराग रंजन की रिपोर्ट। कितने लोगों को आज गिरफ्तार किया गया? जनपद कुशीनगर में अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए पिछले 48 घंटों से लगातार अभियान चल रहा है। पिछले 24 घंटे के अभियान में 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें NBW पुरस्कार घोषित वांछित ऐसे अपराधी हैं। इससे पहले 113 लोगों को कल गिरफ्तार करके भेजा था, आज 118 लोगों को पकड़ा गया है। कुल 231 लोगों की गिरफ्तारी पिछले 48 घंटे में जनपद कुशीनगर में हुआ है और ये अभियान अपराधियों के खिलाफ गिरफ्तार लगातार आगे भी चलता रहेगा।